વિસુ વિસ્તારમાં આવેલ વાત્સલ્ય બંગલોમાં રહેતા પુગરાજભાઈ અગ્રવાલના નિવાસ સ્થાને કૃષ્ણ જન્મ ઉત્સવની ઉજવણી ભજન કીર્તન સાથે કરવામાં આવી હતી. કૃષ્ણ જન્મ ઉત્સવને લઈને સમગ્ર ભારત દેશ અને સુરત શહેરમાં મટકી ફોડના કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. દરેક મંદિરોમાં હર્ષોલ્લાસ સાથે કૃષ્ણ ઉત્સવ જોવા મળ્યા હતા. ત્યારે વિસુ વિસ્તારમાં આવેલ વાત્સલ્ય બંગલોમાં રહેતા પુગરાજભાઈ અગ્રવાલના નિવાસ સ્થાને કૃષ્ણ જન્મ ઉત્સવમાં જેમાં ભક્તો દ્વારા કૃષ્ણજીના ગીતો ઉપર નાચી ગાઈને ભજન કીર્તન કરી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પુખરાજ અગ્રવાલ ये हमारे वात्सल्य बंगलो सोसाइटी वेसु में ये कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्मोत्सव का हम महोत्सव यहाँ पे सभी मिलके मना रहे हैं. आज ये सभी भक्तों से मिलकर पूरे वात्सल्य सोसाइटी और हमारे अग्रवाल समाज और अग्रसेन परिवार की तरफ से यह महोत्सव हमको मनाया जा रहा है. बहुत अच्छा माहौल है, बाहर बारिश हो रही है. कृष्ण जन्म जैसे गोकुल में जब वृंदावन में हुआ था उसी तरह कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है. बारिश भी बाहर बहुत अच्छी है और अंदर माहौल भी बहुत बढ़िया है. भगवान कृष्ण जैसे जन्म लिया है वैसे ही जन्म इस घर में इस भवन में आज ले लिया है. अरुण पाटोदिया मेरा नाम है. जय गो माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा. देखो मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा. आदि अनादि काल से हमारा एक ही धर्म था, सनातन धर्म. अब उसके बाद जो विवाद हो रहा है वो एकदम गलत और निराशर विवाद है जिसका हमारे पास साक्षात प्रमाण है. जिस प्रकार से राम जन्मभूमि मंदिर के लिए साक्षात प्रमाण हमने दिए उसी प्रकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि कृष्ण भगवान 12 बजे एकदम से और बारिश के अंदर जन्म हुआ था. आंधी तूफान बिजली कड़कड़ा रही थी और उसी प्रकार आप देख लो हर जन्माष्टमी के दिन 11 बजे के बाद में और स्वयंभू बरसात होती है. जैसे अमावस्या और पूर्णिमा को समुद्र अपने ऊंचाई पे आता है उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में जो एकदम प्रमाण सहित ये बातें हैं तो इसको क्या है? कोई झुठला नहीं सकता. और इसी के अंतर्गत हमारा एक बहुत बड़ा पर्व जो जन्म के रहा है कृष्ण भगवान के जन्म के रूप में मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष में इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल होती है. हमारी उजवणी हम पूरे दिन व्रत रखते हैं और भगवान को क्या है कि रिसाते हैं, घर घर आंगने में जिलोले जालते हैं, भगवान को जन्माते हैं 12:01 पे, फिर हमारा व्रत तोड़ते हैं. है ये हमारा पूरा भारतवर्ष में होता है. वृंदावन जैसा वृंदावन आपको सूरत में लग रहा है.